पूरे एक साल बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग हो गई, देखिए मेरे बब्बू की भी गुड मॉर्निंग। ये कौन है? सुबह के ताजे नजारे, पहाड़ों वाले। बेटू पहाड़ दिख रहे? नहीं। सूरज देवता सर पे आ चुके हैं, थोड़ी देर में गर्मी पैदा कर देंगे। इन पेड़ों के नीचे कितनी अच्छी छांव होगी। ऑलरेडी बिल्कुल देखो अम्ब्रेला स्टाइल में होते हैं पेड़। ये देखो इनके नीचे बैठ के पिकनिक करूं। चाय ताई, चाय गरम चाय, अदरक वाली चाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय हमारी हो चुकी है। इट वॉज चाय कम पानी। इनकी चाय में पानी का बहुत खर्चा है, बाकी चीजों का खर्चा कम है। और घर पहुंचे, हाँ सुइयां कर लो। घर पहुंचने से पहले लगभग अभी और हमको 5 घंटे काटने हैं इस ट्रेन में। सोया ही लेकिन कल से अच्छा आज लग रहा है, क्योंकि मेरे को साउथ में आते ही बड़ा अच्छा लगता है। 5 बजे अलग ही नजारे। बस 5 बजे के बाद सोया। नाश्ता दिखाना अपना, सुबह का नाश्ता। टॉप टीयर नाश्ता, एस टीयर प्लस। ये है मेरा नाश्ता, इसको खोलते हैं। इसमें है सत्तू की कचौरी। कचौरियों का साइज देखो जरा, सब तरह का साइज मिलेगा। हम ये खाएंगे। लो आप पहले ब्रेकफास्ट करोगे। ये देखिए हमारी ट्रेन, हम इसी ट्रेन में जा रहे हैं, इसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, यही नजर आ रही है हमको। नज़ारे लेते लेते मैंने छोटी छोटी 2 कचौड़ियाँ खा ली। मेरे को ना सत्तू कचौड़ी बहुत पसंद है, मैं हमेशा लेके आती हूँ। पतिदेव के लिए भी बना के रख के आई हूँ, बट उनकी आटे वाली, मैं अपने मैदा वाली लेके आई हूँ। इन पहाड़ों को देखो, किसने इनको ऐसे रखा है, एक एक पत्थर एक के ऊपर। ये सुबह सुबह फिर लटक गया ऊपर। स्टॉप, अपना ये जो अपना ये कट्टा अपने पास रखो, देसी कट्टा। नाश्ता पानी हो गया है, रेस्ट हो रहा है। अभी अनंतपुर निकला है। अभी 5 घंटे हैं लगभग, 5 से 6 घंटे। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, कर लिया जाए रेस्ट। तो तू लटका रहे ऊपर ही। ब्रेकफास्ट में क्या है? कहाँ बैठा है वो? किधर बैठा है? दिस इज चटनी। गाइस टाइम हो रहा है 10, फिर से भूख लग गई थी तो इडली ले ली थी। तो घर में आप जैसे खाते हो यहाँ नहीं मिल पाएगा ना। खा लो बेटू जैसा भी मिल रहा है। चौहान अंकल आए हैं लेने के लिए। बेटू नानू के साथ चलो वरना खो जाओगे। डैडी मेरे गांव गए हुए हैं। आ गए फाइनली बेंगलोर। 3 दिन का सफर तय करके पूरी खुद ही मम्मी वो रही। कड़ी पत्ता कितना सुंदर हो रहा है मम्मी का। कड़ी पत्ता कितना सुंदर है आपका। अरे यार मम्मी आपके इधर लगा हुआ तो आप ही ने तो लगाया होगा। मतलब कहने का ये है, चलो ठीक है जिसका भी बस। इधर आ भाई, अरे इधर आ भाई। अब देखो नखरे, देखो नखरे, देखो इधर आ भाई। प्यार ही नहीं करते।
यार करते हो, इन्हें हो गया जुकाम है? हाँ अभी तो छींके मार रहा था। ये मत बेटे, टॉर्च मत जलाओ। तो गाइस मम्मी का जो ये घर का सेटअप है कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, कुछ सेटअप डिफरेंट कर दिया क्या? अच्छा ये यहाँ पे रखे नहीं थे पहले, रख दिए। ठीक है, पूरे एक साल बाद ये बैंगलोर आए हैं तो इनके जो पैर है ना हवा में, धरती पे नहीं पड़ रहे हैं बिल्कुल, देख लीजिए। गाइस घर आ चुके हैं, साढ़े ग्यारह बजे। चलो बड़ा ही बना देंगे, उसमें क्या है? अम्मी इन्होंने ट्रेन में भी इडली अभी बड़ा ही तो खा के आए, सुबह में ब्रेकफास्ट में खिलाया। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आपसे बाद में मिलेंगे, ठीक है ना? पूरे एक साल बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने हन्नू वगैरह कर लिया, आते ही दो मिनट के अंदर अंदर मैंने हन्नू कर लिए, और ये रही मम्मी, इनसे हलवाई कर ली थी। तो गाइस मैं कह रही थी कि जब भी मैं बैंगलोर आती हूँ, मम्मी हमेशा मेरे लिए इडली सांभर चटनी रेडी रख। ये देखिए मम्मी का और मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, बिकॉज मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी 12 बज रहे हैं। मम्मी तो कर ले फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैं बैठ के आलस भी कर लेती 5-10 मिनट का, मैंने इनकी वजह से फटाफट नहाया, मेरे को लगा ये भी भूखी बैठी है। देखा मैं कितना सोचा मैंने आपके बारे में। बिल्कुल वो लाइट ऑफ करो। मम्मी मेरे को भी दो, एटलीस्ट दो मिर्च चाहिए मेरे को भी, मैं भी तीखा खाती हूँ। क्यों क्या हुआ? ये रख लो, वो बहुत बड़ी है। ठीक है ठीक है, वो है। गाइस यहाँ पर इडली रखी हुई है, वन बाई वन खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है मम्मी? आपको क्या नींद चढ़ी है क्या? अरे आंखों में प्रॉब्लम है 2-3 दिन से। गाइस ये मेरे डैडी की चेयर है, इस पर कोई नहीं बैठता है, बस ये दम मैंने रखी हुई है। चलो लो। काफी स्पाइसी चटनी। तो गाइस कर रहे हैं हम लोग अपना नाश्ता, मेरा फेवरेट नाश्ता, और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि मिनी नहीं आएगी क्या? दरअसल मिनी जो है ना, उसकी जो सासू माँ है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो अभी फ़िलहाल तो बैंगलोर नहीं आ सकती। वही मम्मी मुझे बता रही हैं कि उनकी तबीयत ही ख़राब है, वो कैसे आ पाएगी? नहीं तो हर बार जब भी मैं इधर आती हूँ तो वो भी पक्का या तो आती है या फिर पहले से ही होती है, तो मैं थोड़ा उसको मिस कर रही थी। मैंने कहा मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है इस बार डैडी भी नहीं है बिकॉज। तो गाइस पूरे घर का नाश्ता पानी हन्नू वन्नू सब हो चुकी है, टाइम भी लगभग शायद 12:30 हो रहे थे, तो मैं और मम्मी यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे और बेटू अपना टीवी देख रहे हैं। मेरे को नींद तो बहुत आ रही है, बट मम्मी से बात करने की मेरे को इतनी पड़ रही है ना कि मैं जा ही नहीं सोने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद मैं तो चली तो गई थी सोने के लिए, बट उस समय तो बस बैठी थी ज़बरदस्ती। तो ये देखिए टीवी इंजॉय कर रहे हैं और डैडी मम्मी से बात कर रही हैं फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बिल्कुल एक साल पहले ऐसी तो वेलकम मैं करती थी, है ना मम्मी? बिल्कुल इसी टेटिया की आवाज़ में। ये मेरे को बोलते हैं कैमरा ऑन करते ही आवाज़ टेटिया से कर लेता है। तो गाइज मम्मी से भी हेलो हाय कर लीजिए। मम्मी करो हेलो, हनी साथ चाय पी लीजिए सभी लोग। सही बात है। तो गाइज अभी पता है टाइम क्या हो रहा है? 4:45 मतलब 3:45 हो रहा है, और मैंने आज चाय जल्दी बनवा ली बिकॉज मैं जर्नी करके आई ना, सर में बहुत दर्द है। हालांकि मैं आके हमेशा सो जाती थी, आज मैं सोई भी नहीं, मैंने इसे ढेर भर बातें करी हैं। तो फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी चाय बना दो, तो चाय बनाई उन्होंने। ट्रेन की वो पानी वाली चाय पी के मैं पक चुकी थी। कितनी तलब है चाय की? इतनी है नहीं जितनी अब पता नहीं लग रही है, जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है नॉर्थ में, इतनी गर्मी पड़ रही है और मुझे इतनी तलब लग रही है पता नहीं क्यों। जब सर्दी होती है तब तो चाय की तलब होती है, तो उल्टा बोल रही हूँ। हाँ ये बात तो है। तो गाइज आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि मैंने व्लॉगिंग करके अच्छा किया कि नहीं, बिकॉज मैं गाइज पार्किंग में बैठी हूँ, क्योंकि आपको मेरे पीछे कार जूते वगैरह नज़र आए ना, तो ये मत सोचना हम कहाँ बैठे हैं, हम पार्किंग एरिया में बैठे हैं, यहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ उस पर बैठे हुए हैं। तो मैंने दरअसल ये मेरे को मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो कभी इंस्टाग्राम पर कभी कभी मेरे को मैसेज आते थे उन लोग के कि आप व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो,
तो मैं ऐसे पूरा ऐसे व्लॉगिंग करने के मूड में तो नहीं हूँ कि मुझे इसी में घुसे रहना है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो अभी माइके वगैरह जा रही हूँ, कंटेंट मेरे पास अच्छा भी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं, आप लोग देख लो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को शिकायत भी तो होगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी शिकायत दूर की जाए, तो अब हम बना रहे हैं व्लॉग, बताना फिर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पता है एडिटिंग भूल चुकी हूँ। सुबह से मैं ट्राई कर रही हूँ एडिट कर लूँ एक व्लॉग, एडिट हो ही नहीं रहा, और मैं सोच रही मैं पता नहीं क्या भूल कैसे गई, ना मुझसे थंबनेल बन रहा है, तो जो चीज़ तुम रोक देते हो ना वो तुम्हारे दिमाग से भी निकल जाती है, अभी दोबारा से रिदम में आना पड़ेगा, तब जाके मैं आपके लिए व्लॉग्स बना पाऊँगी, थोड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज़ मेरे को इसमें अगर मैं वापस से पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना तो मेरे बेटे के स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, वो मैं नहीं चाहती हूँ, अभी क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हैं तो चल जाता है, बट मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स बना दिया करूँगी आपके लिए, जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं ना या व्लॉग्स बोल लो वो बना दिया करूँगी, तो वो आप देख लिया करना। ढेर भर बातें हो गई, अब मैं ज़रा चाय पी लूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो गाइज़ माँ बेटी इन्जॉय कर रहे हैं केला चिप्स, और मैं मम्मी से कह रही हूँ मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल यहाँ पे, मम्मी कह रही क्या हो गया, मैंने कहा बस मन नहीं लग रहा डैडी के बिना, दरअसल मेरे डैडी गांव में गए हुए हैं, वहाँ उनका कुछ घर वगैरह बन रहा है, हमेशा हर गर्मियों में हर सर्दियों में जाके 4 महीने वो घर बनवाते रहते हैं, इस बार भी अकेले चले गए घर बनवाने के लिए, तो मैंने कहा वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है वहाँ कर क्या रहे हैं, मम्मी बोली मजबूरी है ना बन रहा है तो बीच में नहीं छोड़ के आ सकते, तो मैंने पूछा कितने दिन और लगेंगे, तो बोली लगभग 4 से 5 दिन और लगेंगे, फिर सीधी फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो मैंने कहा चलो फिर तब भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत मैं बोर हुआ करूँगी तो डैडी मुझे कार में बिठा के ना बार बार घुमा लाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो मार्केट वगैरह चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ तो बंद बंद मन भी नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो देखिए गाइस यहाँ पे इतनी देर से फ़ैन नहीं चल रहा था फिर भी हमें फील नहीं हो रहा था, और नॉर्थ में होते तो मर गए होते अब तक। चलिए गाइस अब करते हैं अपना नाश्ता ख़त्म और बातें ख़त्म, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए साइन और बाय बाय।